आप सभी साथियों, सबसे पहले जय भीम जय भारत। आज हम आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि भीम आर्मी चीफ और बसपा सुप्रीमो मायावती जी से संबंधित है। साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आखिर क्या कुछ बोला है मजदूर दिवस के दिन, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या कुछ बोला है मजदूर दिवस के दिन। तो साथियों, आप बने रहिए इस वीडियो में, शेयर कीजिए। अगर आप अपने बहुजन समाज के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहेगी। साथियों, खबर शुरू करने से पहले मैं आपके बीच अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा, और सबसे पहले मजदूरों को मेरा सलाम है और अपने भारत देश के व्यक्तियों से कहना चाहूँगा, गरीब तबके मजदूर व्यक्तियों को आप अच्छी तरीके से सम्मान दें, जैसे किसी अमीर व्यक्ति को देते हो, ऐसे ही गरीब व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को सम्मान दें। उसे ये ना देखें कि ये मजदूर है और ये हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। साथियों, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सम्मान करें आप उसका, जिससे कि उसका मनोबल बढ़े। आए साथियों, मजदूरों के बिना इस भारत देश में बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। जब कोई अमीर कोई अपना घर बनवाएगा तो मजदूर के बिना वो घर कभी भी तैयार नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मजदूर वर्ग के व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सम्मान देना चाहिए हम सभी व्यक्तियों को। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने, सबसे पहले हम बसपा सुप्रीमो मायावती जी की बात करेंगे और उन्होंने क्या कुछ बोला है मजदूर दिवस के दिन, और आखिर क्या, जो कि सरकार से बड़ी अपील की है, आखिर क्या मांग की है सरकार से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बोला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसे मई दिवस के रूप में मजदूर वह मेहनतकश वर्ग हर वर्ष धूम से मनाते हैं, परंतु वर्तमान कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी पर अभूतपूर्व गहरा संकट छाया हुआ है। ऐसे में केंद्र व राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत ही ज़रूरत है। साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है, जो भी गरीब तबके मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार कल्याणकारी करे। साथियों, मजदूर वर्ग के व्यक्ति मजदूर दिवस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाते थे। साथियों, इस समय लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण उन्होंने ये दिवस नहीं मना पाया। और साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है, चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं, ये जो बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जी को सम्मान देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला है कि बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जी की बदौलत ये जो मजदूर 12 घंटे कार्य करते थे वो अब 8 घंटे पर आ गए हैं, और साथ ही उनको पूर्ण सम्मान मिल रहा है। ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, ऐसा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय भीम जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।